Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. टोरंटो पब्लिक हेल्थ की स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियां मौतल करने की सिफारिश महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि सिफारिश शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के सबब की गई है। स्कूल बोर्ड्स गैर निसाबी सरगर्मियां शुरू करने के मंसूबे बना रहे हैं। ऑन्टेरियो हुकूमत का 30 सितंबर को आम तातील ना देने का फैसला। सिर्फ वफाकी तौर पर मुनज़्ज़म कारोबारी इदारे मुलाज़मीन को छुट्टी दे सकते हैं। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि ऑन्टेरियो 30 सितंबर को कौमी सच्चाई और मसाहलत के दिन के तौर पर तस्लीम करता है। चीन ने कैनेडियन कंपनी पर सारिफीन को गुमराह करने पर जुर्माना आयद कर दिया। कंपनी पर चीनी इश्तिहारी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। कंपनी ने कहा है कि एक ऑनलाइन पार्टनर की वेबसाइट पर तकनीकी गलती से ये सारा मामला ख़राब हुआ। कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 15,33,466 तक जा पहुँची है। हालांकि 27,134 हो गई। जलालुद्दीन हकानी के अहल खाना को ब्लैकलिस्ट करना दोहा मुआहदे के खिलाफ है। तर्जुमान तालिबान कहते हैं कि अमरीका समेत दीगर ममालिक हमें तस्लीम करें, इस पर काम कर रहे हैं। तालिबान ने हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम तब्दील कर दिया। बर्फ़ पिघल गई। अमरीकी और चीनी सदूर का तनाज़े से बचने के लिए 7 माह में पहला राबता। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तालिबान के साथ गुफ्तगू जारी रखना सबके मफाद में है। वज़ीर दिफा कहते हैं कि अमरीका अफगानिस्तान में अलकायदा की वापसी रोकने के लिए तैयार है। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस 22,40,00,000 से ज़ायद हो गए। अमरीका में मास्क ना पहनने पर आए जुर्माना दुगना हो गया। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 4,15,61,156 हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने सिफारिश की है कि शहर में स्कूल बोर्ड्स गैर निसाबी सरगर्मियों फील्ड ट्रिप्स और मखलूत खेलों को सितंबर के लिए रोक दें। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने सिफारिश की है कि शहर में स्कूल बोर्ड्स गैर निसाबी सरगर्मियों फील्ड ट्रिप्स और मखलूत खेलों को सितंबर के लिए रोक दें। मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर एलन डिविला ने बुध को एक टीवी न्यूज़ चैनल को बताया कि ये सिफारिश टोरंटो की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक है। टोरंटो पब्लिक हेल्थ कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लेती रहेगी और मुनासिब तौर पर सिफारिश को एडजस्ट करेगी। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कहा कि वो मौसम खजा में गैर निसाबी सरगर्मियाँ शुरू करने का मनसूबा बना रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि वो सरगर्मियाँ दोबारा उस वक्त शुरू करेंगे जब तुलबा क्लासरूम में वापस आएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की जानिब से कहा गया था कि वो मौसम खजा में गैर निसाबी सरगर्मियाँ शुरू करने का आहिस्ता आहिस्ता और जिम्मेदारी से मनसूबा बना रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि वो सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करेंगे जब तुलबा क्लासरूम में वापस आएंगे। TDSB ने बुध को ट्विटर पर वालदैन को एक ताज़ा तरीन सिफारिश के बारे में नोटिस भी जारी किया था। अंटेरियो हुकूमत की जानिब से 30 सितंबर को आम तातील ना देने का फैसला किया गया है। विफाकी हुकूमत ने कैनेडा में रिहायशी स्कूलों के अलमनाक वाक़े की याद में जुलाई में एक सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से 30 सितंबर को आम तातील ना देने का फैसला किया गया है। हुकूमत तस्दीक करती है कि ऑन्टेरियो 30 सितंबर कौमी सच्चाई और मसालहत का दिन है, लेकिन इस दिन हुकूमत की तरफ से छुट्टी नहीं होगी। मिनिस्टर फॉर इंडिजेंस अफेयर्स ग्रेग रिकफोर्ड का तर्जुमान ने कहा कि सच और मसालहत का कौमी दिन इस साल सूबाई आम तातील नहीं है। फेडरल रेगुलेटेड मुलाजमीन जैसे विफाकी हुकूमत और बैंक मुलाजमीन कैनेडा लेबर कोड के तहत चलते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ विफाकी तौर पर मुनज़्ज़म कारोबारी इदारे मुलाजमीन को छुट्टी दे सकते हैं। विफाकी हुकूमत ने कैनेडा में रिहायशी स्कूलों के अलमनाक वाक़े की याद में जुलाई में एक सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था। 30 सितंबर को कानूनी छुट्टी के तौर पर ना मनाने के फैसले का मतलब यह है कि ऑन्टेरियो में स्कूल खुले रहेंगे। ऑन्टेरियो फिलहाल 9 अवामी तातीलात को तस्लीम करता है, जिनमें नए साल का दिन, फैमिली डे, गुड फ्राइडे, विक्टोरिया डे, कैनेडा डे, लेबर डे, थैंक्सगिविंग डे, क्रिसमस डे और बॉक्सिंग डे शामिल हैं। चीन की जानिब से सारिफीन को गुमराह करने के इल्ज़ाम में कैनेडियन कंपनी पर जुर्माना आयद किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चीन की जानिब से सार्फीन को गुमराह करने के इल्ज़ाम में कैनेडियन कंपनी पर जुर्माना आयद किया गया है। टोरंटो में कायम कैनेडा गोज होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड चीन में मुश्किलात का शिकार है। चीन ने गर्म मलबूसात बनाने वाली कंपनी को सार्फीन को इसमें इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मुबैना तौर पर गुमराह करने पर जुर्माना आयद किया है और कंपनी पर चीनी इश्तिहारी कवानीन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। चीन के रेगुलेटर नेशनल इंटरप्राइज क्रेडिट इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी सिस्टम ने कंपनी पर 4.5 लाख युआन जुर्माना आयद किया, जो तकरीबन 88,202 डॉलर के मसावी है। कंपनी के दावे पर शिकायत मराकज हेट्राइड डाउन की टर्म इस्तेमाल करता है। इसका इल्ज़ाम है कि कंपनी अपनी ज्यादातर मसनूआत में दीगर इकसाम के मटीरियल का इस्तेमाल करती है। कमेंट्री में कहा गया है कि मरकजी फिलिंग आम बतख के मटीरियल से की जाती है, लेकिन इसकी कीमत हर जगह पर हजारों युआन है। क्या कैनेडियन गोज डाउन जैकेट वाकई गर्म है? कंपनी ने कहा कि एक ऑनलाइन पार्टनर की वेबसाइट पर तकनीकी गलती से ये सारा मामला खराब हुआ है। इस साल के अवाइल में हमारे एशिया बहरुल काहिल खत्ते में एक शराकत दार साइट टी मॉल पर मतन में गलती पाई गई थी। ईमेल में कहा गया है कि गलती को फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया गया। दिसंबर 2018 में वैनकोवर हवाई अड्डे पर हुवावे के एग्जीक्यूटिव मैंग वैनजू की हिरासत के बाद से कैनेडा और चीन के दरमियान तालुकात खराब हो गए थे। अमरीका वैनजू की न्यूयॉर्क हवालगी चाहता है, जहां उसे धोखाधड़ी के इल्जामात का सामना है। बीसी सुप्रीम कोर्ट में समाअत 18 अगस्त को इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें जज का फैसला अक्टूबर को मुतवक्के है। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,72,130 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 15,33,466 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 27,134 हो गई। मुल्क भर में 14,68,198 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,72,130 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,579 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 3,95,155 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,297 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है, जहां 2,64,564 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,434 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,72,338 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,847 है। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि अमरीका और दीगर ममालिक इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयान देकर अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि जलालुद्दीन हक्कानी के अहले खाना को ब्लैक लिस्ट में शामिल रखना दोहा मुहैदे की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि पेंटागन की जानिब से अफगान काबीना के कुछ अरकान, जिनमें जलालुद्दीन हक्कानी के अहले खाना को ब्लैक लिस्ट में रखे जाने की निशानदेही की गई है। इस्लामी अमारात हक्कानी खानदान के अफराद को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने को दोहा मुहैदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर करती है, जो ना ही अफगानिस्तान और अमरीका के मफाद में है। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि अमरीका और दीगर ममालिक इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान देकर अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। इस तरह के बयान देकर अमरीका माजी के नाकाम तजुर्बात की गलतियाँ दोहरा रहा है, जो खुद अमरीका के लिए नुकसानदेह हैं। लिहाजा इस तरह की पॉलिसी फौरी तौर पर सिफारती सतह पर तआवुन के जरिए वापस ली जाए। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी शहरियों समेत 200 मुसाफरों को लेकर एक परवाज कतर रवाना हो गई। अमरीकी फौज के इनखिला के बाद से काबुल एयरपोर्ट से गैर मुल्कियों के इनखिला की ये पहली परवाज है। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान 7 माह में पहला राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के माबैन अमरीका चीन तनाजे से बचने के लिए बातचीत की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान 7 माह में पहला राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका चीन तनाजे से बचने के लिए बातचीत की गई। व्हाइट हाउस का कहना है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर जो बाइडेन ने जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान मसाबकती माहौल मुस्तकबिल में किसी गैर इरादी तनाजे की शक्ल इख्तियार न करे। चीनी नशरियाती इदारे का कहना था कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आजादाना माहौल में खुली और तफसीली गुफ्तगू हुई। इससे पहले फरवरी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान लगभग 2 घंटे बात हुई थी।
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر غور کر رہے ہیں، طالبان کے وعدوں پر عمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قبل ازیں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد عسکریت پسند تنظیم القاعدہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ القاعدہ نے 20 سال پہلے افغانستان کو امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے بیس بنایا تھا۔ وہ ہمارے انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا مزید کہنا تھا کہ چاہے وہ صومالیہ ہو یا ایسے علاقے جہاں حکومتوں کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے، القاعدہ خود کو منظم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آسٹن نے کہا کہ ہم نے طالبان قیادت پر باور کرا دیا ہے کہ ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,40,53,437 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,21,294 ہو گئیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,40,53,437 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,21,294 ہو گئیں، جبکہ 20,06,53,244 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سرفہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,74,547 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,15,61,156 ہو چکی ہے۔ امریکہ کی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن نے ماسک نہ پہننے پر جرمانہ دگنا کرنے کا اعلان کر دیا۔ TSA کا کہنا ہے کہ ماسک نہ پہننے پر پہلی مرتبہ $500 سے $1,000 جرمانہ ہوگا، جبکہ ماسک پہننے کے حکم کی متعدد بار خلاف ورزی پر $1,000 سے $3,000 جرمانہ ہوگا۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,42,046 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,31,63,004 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 59,170 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 65,90,414 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,604 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,45,727 تک جا پہنچی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ ٹیک ٹی وی اپڈیٹس یو اباؤٹ کرونا سچویشن ان کینیڈا اینڈ اراؤنڈ دا گلوب۔ ڈیلی کینیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اینڈ اردو، اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی۔